मॉम। हाँ भैया आ गए। आ गया? तो मैं रोज आता हूँ आज। अरे शक तो ऐसे बना रहे जैसे कुछ पता ही ना हो। देखो क्या पता ना हो मॉम। अरे माँ हमारे बोले भंडारी, पहले सबका आशीर्वाद तो ले लो। ले लूंगा बड़ी दादी, पर क्यों? मिश्री भैया आप एक्टिंग मत करो, हम सबको पता है कि भाभी प्रेग्नेंट है, मैं चाचा बनने वाला हूँ। व्हाट? मिश्री प्रेग्नेंट है? तू बाप बनने वाला? बाप? व्हाट? हमने तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लिया है। गाइस आप लोग, अरे तुमने कुछ बताया नहीं क्या? कहाँ नहीं बताया? यही कि हम दोनों। तुम दोनों क्या? अर्जुन तुम खुश होने की जगह इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्योंकि आप सब पहले से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसलिए वो रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके बाद आप मतलब। अरे रिपोर्ट्स आती होगी ना, तू घबरा क्यों रहे? हम पर आप लोगों ने मैडम, अरे ये मैडम की रिपोर्ट। एक मिनट एक मिनट। थैंक यू भैया। अरे हम देखेंगे। अरे रुकिए, पहले मुझे दिखा दीजिए। एक मिनट। शुक्र है अब सबको अपने आप पता चल जाएगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ अंग्रेजी में है। ये बोलो ना। मिस्ट्री प्रेग्नेंट है। जय हो माता रानी की जय हो। तुम दोनों बुरी तरह फंस गए हो, अब तो तुम्हें अपने रिश्ते की पोल खोलनी पड़ेगी। बधाई हो बहुरानी, तुम दादी बनने वाली हो। क्या हुआ? तुम दोनों खुश नहीं लग रहे हो। तुम दोनों को अभी बेबी नहीं चाहिए था या फिर कोई और बात है? बात यह है कि अभी बेबी हो ही नहीं सकता। क्यों? कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? Obviously not. तो तुम मिश्री से प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। हाँ तो फिर बेबी क्यों नहीं हो सकता? मॉम क्योंकि वो ले आओ, इतनी देर में तो यशोदा बोल देती है। ए, बोल ना। Actually, एक मिनट। अरे अर्जुन भाई। अरे सुन तो सही भाई। क्या हुआ? समझ गए, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो बच्चा आने के नाम से अपनी जिम्मेदारी से पैर में पहिया लगा के भाग जाते हैं और कुछ नहीं। ए पर तुम चिंता ना करो बहुरानी, तुम तो दादी बन के रहोगी। मौसी जी। पूर्णी बधाई हो, पर दादी बनने वाली है। हाँ अर्जुन का बच्चा आने वाला है, तू पर दादी बनने वाली है। क्या हुआ? अरे परिवार बढ़ रहा है, अब तो गुस्सा छोड़ दे। और रानी, अरे दादी बनने वाली हो, चलो मंदिर में चल के दिया तो जला ले। मौसी जी जब माँ का परपोता अपने नन्हे नन्हे हाथों से दस्तक देगा ना, तो देखिएगा उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। हाँ, सही कह रही है ना? अच्छा सुन, अरे तुझे बधाई हो, तू तो दादी बनने वाली है, चल माता रानी के आके दिया तो जला दे। हाँ, हाँ, उसके बाद मैं सबके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बना लेना, चल चल।
ये देखो, तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सच सच बता दो, हम हैंडल कर लेंगे। बताओ कैसा सच, क्या हैंडल करेंगे अर्जुन? फाइन, सॉरी सॉरी, फाइन। ये किसका बेबी है मिश्री? मम्मी। अब मिश्री देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें ये सवाल पूछने का, लेकिन फिर भी तुम मुझे तो बता सकती हो ना मिश्री? I'm just saying, क्योंकि फैमिली को नहीं पता, हमारे उन्हें तो यही लगेगा कि ये मेरा बेबी है मिश्री। पर एक साल बाद जब तुम यहाँ से चली जाओगी, I'm अपने बेबी को लेकर अपने नहीं, जिसको भी तुम पसंद करती हो मिश्री, जब तुम उसके पास चली जाओगे अपने बेबी को लेकर, तब तो तब देखो मिश्री, मुझे मुझे ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% या 1% भी प्रॉब्लम नहीं है मिश्री। आई एम टोटली कूल विद इट आफ्टर ऑल, नेचुरल है ना। पर एक साल बाद जब तुम अपने बेबी को लेकर चली जाओगी, बुरा तो लगेगा ना? मुझे नहीं, आई मीन मैं मॉम, बड़ी दादी, उन सब के लिए पूछ रहा था, उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना मिश्री, इसीलिए मेरे लिए जानना जरूरी है वो तुम्हारा यू नो कौन है। ये तो कुछ भी नहीं बोल रही, दैट मीन्स मिश्री किसी और से, और से क्या क्या मतलब मिश्री किसी से? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मिश्री एक्चुअली किसी से प्यार करती है, पर मुझे इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? काम डाउन अर्जुन, मैं फैमिली को संभालूंगा, बस एक बार मिश्री जिससे भी प्यार करती है उसका नाम बता दे। अर्जुन, तुमने मेरा नाम क्यों लिया मिश्री? क्या? क्योंकि यही आपका नाम है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि और भी कुछ कहना बाकी है, कहो, हम सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता था कि ये जिसका भी बेबी है, तुम उससे जल्द से जल्द शादी कर लो, लेकिन जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाता मिश्री, तब तक उस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी मॉम, बड़ी दादी, अश्विन, उन सबको मैं संभालूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। So, I guess that's it. Congratulations. बातें आज तक नहीं की, सारी की सारी आज करके कुछ हमारे भी तो सुनते जाओ अर्जुन। बोलो, आप चाहते हैं कि हमारे होने वाले बेबी के पापा, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनसे शादी करें, है ना? हाँ। ये शादी नहीं हो सकती अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये बेबी और उसके पापा रियल है ही नहीं। क्या? सब आपके दिमाग का वहम है अर्जुन। What? ये क्या मतलब है तुम्हारा? ये मतलब कि हम ना ही माँ बनने वाले हैं और ना हम किसी से प्यार करते हैं। Really? I mean really, really. Okay. सारा दिन आप हमें आपसे लड़ने में बिजी रखते हो और आपको लगता है कि हमें किसी और के बारे में सोचने का टाइम भी मिलता है। इतने दिन से हमें जानते हो, अब तक नहीं पहचान पाए अर्जुन। कोई भी ऐरा गैरा आके कोई भी रिपोर्ट थमा कर जाएगा और आप उसे सच मान लोगे? मतलब शहर के नंबर वन लॉयर है और इतने बुद्धू, यानी कि वो रिपोर्ट गलत थी? और नहीं तो क्या, कूड़ा बस्ती, अब क्या लिख के दे आपको?
नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हें लिख के देने की कोई जरूरत नहीं मिश्री, तुमने बोल दिया काफी है। पर वो गलत रिपोर्ट बनवाएगा कौन? एक ही तो है जो हमारी लाइफ में मुसीबतें खड़ी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनु, पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? She's the one. आहा, English? ये English की पिचकारी अंदर रखो, आज होली नहीं है। और वैसे जब आपको पता चला कि हम किसी और के बेबी की माँ बनने वाले, तो कुछ ज्यादा दुखी नहीं हुए? अर्जुन अवस्थी के पास दुखी होने का टाइम नहीं। I was just confused. सब क्लियर हो गया है तो चलो सबको जाके सच बता देते हैं। फाइन। कुछ देर के लिए सही, और वो रिपोर्ट्स देखकर सबके सब बहुत खुश थे। अर्जुन, हम एक बार फिर सबकी खुशियां छीन लेंगे। मिश्री, मेरी फैमिली की खुशियों के लिए तुम मेरे बेबी की माँ बनना चाहती हो? सबको सच तो बताना पड़ेगा ना मिश्री। ये तुम हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है अर्जुन? झूठ बोलकर हम सबका दिल दुखाते थे और अब सच बोलकर दिल दुखाना पड़ेगा। क्या मैं लोगों को कभी खुशी नहीं दे पाएंगे अर्जुन? मेरी फैमिली को अपने हिस्से की भी खुशियां देना चाहती तो तुम्हारे हिस्से का क्या आएगा मिश्री? तुम झूठ में भी सबसे सच्ची हो। सच इतना जल्दी पता चले, दर्द उतना ही कम होता है ना? अर्जुन, चले। चलो। मिस्ट्री प्रेग्नेंट है। अम्मा एकदम सदमे में है। अनु को बहू बनाने का सपना गड्ढे में गिर गया ना इस वजह से। काश हम अम्मा को बच्चा ना हो पाए ऐसा कोनो इलाज बता पाते, फिर अनु को अर्जुन मिल जाता और हमको जायदाद में बड़ा हिस्सा। अम्मा को चाबी भरते रहिए, हमारे पास इलाज है अभी। हाँ अम्मा, एक माँ की चिंता बेटी से ज्यादा कोनो नहीं समझ सकता। हम भी तो उही चिंता में मरे जा रहे हैं, कहाँ करें? ही रहा इलाज। बबलू जी, खाना ही हर चीज का इलाज नहीं होता, मेरे टूसने लगे आप। अरे ना 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 यशोदा जी, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मिश्री के लिए है। 8-10 पपीता सो खिला देते हैं, मिश्री का बच्चा खत्म और अनु का रास्ता साफ। दामाद जी, आप जिस बच्चे को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो मिश्री का ही नहीं, हमारे अर्जुन का भी बच्चा है। उस लड़की से हम चाहे जितनी नफरत कर ले, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि उसकी कोख में हमारे खानदान का वारिस पल रहा है। और ये बात आप भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे दामाद हैं। माफी है। अम्मा, फिर अनु क्या करेगी? समझेगी कि उसका इस घर की बहू बनना सिर्फ विद्या का सपना था, और हर सपने की किस्मत में पूरा होना नहीं लिखा होता। उसे अर्जुन को भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा।
अम्मा तो मिश्री की हो गई। अम्मा तो मिश्री की हो गई। अब अन्नू का राम भला करे। अब हमारा भला कोई नहीं कर सकता। हमारे हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। चलिए पपीता ही खाते हैं। ये मावे के लड्डू मिश्री को जरूर पसंद आएंगे। आज के बाद उसके खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ए बहुरानी जी, जरा बादाम लेकर के आओ। अभी। ए बहुरानी, आज से ना तुम आने वाले बच्चे के लिए छोटा छोटा जुराब स्वेटर बिनना शुरू कर दो। जी मौसी जी। जी जी, हलवे में थोड़े से काजू भी डालिएगा। कोई बात नहीं, हम खुद डाल देते हैं। कुर्नी? जी जी, एक बार नाराज हो गए तो क्या हुआ, जिंदगी भर नाराज रहेंगे। परदादी बनने वाले हैं, अपनी बहू के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ए पूर्णी, तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, रहोगी हमारी पूर्णी ही। पड़ दादी बनने वाली हो। ए रोतड़ी देवी, तुम क्या बात बात पे रोती रहती हो, है? आओ ही आओ। माँ, आज से इस घर में नफरत और झगड़े नहीं होंगे, सिर्फ खुशियों की मिठास होगी, मिश्री होगी। अरे हम तीनों आपस में ही लगे रहेंगे, बहू का ध्यान कौन रखेगा। चल 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 काट बादाम। सबको हैंडल कर लूंगा। मॉम, डैड, बड़ी दादी, दादी, अश्विन बुआ और फूफा जी को भी बुला लो प्लीज। हाँ बेटा, क्या हुआ? बौरिया, सब ठीक तो है ना? हम दोनों आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। लगता है सच बताने वाले। सच सुनते ही बुढ़िया मिश्री को धक्के मार के घर से भी निकाल देगी। कहो ना बेटा, क्या है? माँ, वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट इस परिवार के लिए माता रानी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद का जरिया तू बनी है मिश्री।
अर्जुन ने तुझे पत्नी का दर्जा दिया, जीजी और कल्पना ने तुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दिया, लेकिन आज माता रानी ने खुद तुझे इस घर के वारिस की मां बनने का दर्जा दिया है। जिसके आगे सबको झुकना है, अन्नपूर्णा को भी। बुढ़िया, मिश्री को ताने दे, आशीर्वाद क्यों दे रही है? नानी, मेरा क्या होगा? बेटा, हालात के साथ हर किसी को बदलना होता है, तुझे भी बदलना होगा। तुझे अर्जुन को भूलना होगा बेटा। नानी, पर मैं अब इस घर का वारिस आने वाला है, इसलिए तू अपने घर चली जा। क्या? ब्रिज? चलो बेटा। नहीं, नहीं नानी, नहीं, मैं नहीं, ना पापा। दादी माँ ने फाइनली मिश्री को एक्सेप्ट कर लिया, पर जिस वजह से किया वो झूठ है, मुझे इन्हें सच बताना होगा। दादी वो आज से इस घर में नफरत और झगड़े नहीं होंगे, सिर्फ खुशियों की मिठास होगी, मिश्री होगी। नानी, मेरा क्या होगा? बेटा, हालात के साथ हर किसी को बदलना होता है, तुझे भी बदलना होगा। तुझे अर्जुन को भूलना होगा बेटा। नानी, पर मैं अब इस घर का वारिस आने वाला है, इसलिए तू अपने घर चली जा। ब्रिज? चलो बेटा। नहीं, नहीं नानी, नहीं, मैं नहीं, ना पापा। नानी, मेरा क्या होगा? बेटा, हालात के साथ हर किसी को बदलना होता है, तुझे भी बदलना होगा। तुझे अर्जुन को भूलना होगा बेटा। नानी, पर मैं अब इस घर का वारिस आने वाला है, इसलिए तू अपने घर चली जा। ब्रिज? चलो बेटा। नहीं, नहीं नानी, नहीं, मैं नहीं, ना पापा।